टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस डे नंबर 63। टॉपिक्स अभी भी हमारा चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। फिर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी भी निकाल के ला रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पीजीटी में आया हुआ था, द ग्रेटर वैल्यूज ऑफ, ऐसा लगता है कि कहाँ से आ गया। तो ये वो क्वेश्चन अब चल रहे हैं, मोड ऑफ टी एंड डी टी ऑन द इंटरवेल। तो आजकल कंपटीशन बढ़ा है, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो पहले तो हम छोड़ देते थे, यानी कि पहले टाइम की जो वीडियोस हमारी बनी हुई हैं, मे बी 500 कुछ वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, तो उनमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस ऑनलाइन क्लासेस को चलाने का मीन्स यही है कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना छूट जाए, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आया हुआ हो या आने के चांसेस अब बन रहे हैं, क्योंकि हाईली कंपटीशन अब चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। कंपटीशन में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आने लग गए हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को स्पेशली कर करके हमें ये ऑनलाइन क्लासेस बनाई गई है। और बाकी जो सिंपल वाले हैं वो भी सब कराए जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक बंदे का कमेंट था कि सर छोटे छोटे क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, तो मैंने कहा सभी हम कराएंगे, आसान भी और टफ भी। पता लगे टफ करा दिया, आसान ना करा, ये वो आएंगे। तो आपने तो वो करा दिया, इसमें पेपर नहीं आया, तो अब हमारी गारंटी श्योर हो जाती है कि भाई आएगा, ठीक है। ऑल टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। देखिए क्या फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन लिमिट 1 to x एंड मोड ऑफ टी डी, ठीक है। यानी कि अगर फंक्शंस ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स होता सपोज, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यूज लाई कर रही होती, वैल्यू लाई कर रही होती, हाँ, फंक्शन ऑफ एक्स दिस है। अगर डिफरेंशिएशन अगर हम ले लेते हैं, एफ डैश डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये इंटीग्रेट हट जाएगा और ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्स, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स ये होगा -1। एफ डैश ऑफ एक्स तो इतना हो जाएगा, और लिमिट पॉइंट था 1 to x, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्स -1, ठीक है। मोड ऑफ एक्स -1, जीक्स की क्वांटिटी 0 से बड़ी है, मोड ऑफ एक्स 0 से बड़ा है, और इंटरवेल लाई कराना है -1/2 to 1/2, यानी कि एक्स इक्वल टू 1/2 पर ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्स इक्वल टू +1/2 में मैक्सिमम होगा। तो जो फंक्शंस है हमारा, अगर इसकी वैल्यू 1/2 के टर्म में लिया जाए, 1/2 पे मैक्सिमम होगा, तो फंक्शन ऑफ 1/2 यानी कि लिमिट 1 to 1/2 हो जाएगी। 1 to क्या लेंगे, 1/2 एंड मोड ऑफ टी डी टी, यानी कि लिमिट 1 to 1/2 एंड टी डी टी, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो टी का इंटीग्रेशन t²/2 एंड लिमिट पॉइंट 1 to 1/2, पूछा था उसकी ग्रेटर वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ पे मैक्सिमम है, तो इंटरवल से शो हुआ x=1/2 तो मैक्सिमम है, तो 1 to 1/2 पे ये मैक्सिमम लाई करेगा, यानी प्लस क्वांटिटीज पर मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी जाएगी। हाँ, यह होगा 1/2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये होंगे 1/2 या 1/4 -1। इसको कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा सा, मुझको लग रहा है माइनस का आना चाहिए, -3/8 आएगा, ठीक है। तो -4 -3 -8 ही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 नंबर। तो ये पीजीटी में देखा गया है, पीजीटी की बुकों में मिल जाता है। तो हमारी जो, अगर क्वेश्चन सपोज बुक में नहीं है जो टीजीटी वाली बनी है, तो ऑनलाइन क्लासेस में ज़रूर होगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वहाँ हो, मतलब छूट जाए, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि मैंने वो उसमें ही बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं। द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है, 0 to 1 x^(b) -1 अपॉन log x dx is, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, वैल्यूज ए ऑप्शन है log b, बी ऑप्शन है 2 log b+1 एंड सी ऑप्शन है 3 log b एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। सॉल्यूशन लेते हैं, 0 to 1 x^(b) -1 अपॉन log x। तो इसको कुछ मान लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के टर्म में, और इसका जो वैल्यूज है वो जो भी है,
इसको सपोज हम बी के टर्म में हैं तो मैं इंटीग्रेशन ऑफ बी मान लिया था, ठीक है, आई बी जीरो टू वन एक्स की पावर बी माइनस वन अपॉन लॉग एक्स डी एक्स। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं आई डी एस बी लेते हैं तो जीरो टू वन एक्स की पावर बी लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर दिया, अब ऊपर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन अपॉन लॉग एक्स, नहीं ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया ऊपर वाले फंक्शन का, ठीक है, बी के टर्म में, बी के टर्म में करेंगे तो बी वाले का ही तो होगा, ये वन का जीरो हो गया, ये कॉन्स्टेंट है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से हमारा लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा एंड एक्स की पावर वी यह बचेगा एक्स की पावर वी डी एक्स, ठीक है, केवल इस वाले का डिफ्रेंशिएशन हुआ है। तो अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए एक्स की पावर बी प्लस वन बाई बी प्लस वन एंड लिमिट पॉइंट होगा जीरो टू वन, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ड्रा करेंगे वन पॉइंट बी प्लस वन इनका वन माइनस का जीरो, तो आंसर आएगा वन पॉइंट बी प्लस वन, तो ये होगा आई डेस बी, आई डेस बी इक्वल टू वन पॉइंट बी प्लस वन। तो आई बी अगर निकाला जाए तो इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए आई डेस बी वन अपॉन बी प्लस वन आ गया, तो इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए तो आई बी इक्वल टू आ जाएगा लॉग बी प्लस वन प्लस सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा आई बी आई ज़ीरो आई बी इक्वल टू लॉग ज़ीरो, है ना, यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे लॉग वन हो जाएगा, लॉग वन का मान देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे ज़ीरो रखता हूँ, इसे कोई इक्वेशन मान लिया मैंने, तो लॉग अगर ज़ीरो प्लस का वन प्लस का सी, तो आई ज़ीरो आई ज़ीरो आई बी ये था, एक्स की पावर ज़ीरो रखेंगे यहाँ पे एक्स की पावर ज़ीरो ज़ीरो वन हो जाएगा वन माइनस वन ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे लॉग वन ज़ीरो हो जाएगा सी, यानी कि सी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तो सी का मान यहाँ पे यही रख दिया जाएगा सी इक्वल टू ज़ीरो, तो आई बी हमारा निकल का आएगा आई बी इक्वल टू लॉग बी प्लस वन, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल यानी इसकी वैल्यू हमको निकालना था इंटीग्रल का, तो आई बी इक्वल टू आ रहा है लॉग बी प्लस वन, जो ऑप्शंस हैं उनमें से कहीं नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लॉग बी दिया है, लॉग टू लॉग बी प्लस वन दिया, तो टू तो भाई नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा नॉन ऑफ दिस जाएगा क्योंकि आंसर में लॉग बी प्लस वन हमारा आंसर आया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल, द वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल, तो वन अपॉन ई टू ई, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लॉग एक्स का मोड डी एक्स, ठीक है, तो ए ऑप्शन है माइनस का वन अपॉन बी, बी है टू वन माइनस का वन अपॉन ई एंड सी ऑप्शन है वन पॉइंट ई माइनस वन एंड डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल का वैल्यूज हमको फाइंडिंग करना है। अब जो इंटीग्रल पार्ट्स है हमारा वन पॉइंट ई टू ई, वो उसको टूट जाएगा दो पार्ट में, एक तो वन पॉइंट ई टू वन और दूसरा है वन टू ई, दो पार्ट में टूट जाएगा, तो एक पार्ट्स की वैल्यू निगेटिव होगी और एक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि लॉग की वैल्यू वन अपॉन ई टू वन जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू देगा और वन टू ई यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे जो फंक्शन का मान होगा माइनस का लॉग एक्स होगा और यहाँ पे फंक्शन का मान प्लस का लॉग एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन वन अपॉन ई टू ई वन अपॉन ई टू ई एंड मोड ऑफ लॉग एक्स एंड डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन ई टू वन ये माइनस लॉग एक्स एंड डी एक्स प्लस वन टू ई, ये हो जाएगा लॉग एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। और इसको अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, लॉग एक्स इंटू वन मान के इंटीग्रेशन वाइज पार्ट्स लगाना है, लिमिट ड्रा करनी है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा और हिंट्स कर देता हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे और इसमें भी वही करना है, लॉग एक्स इंटू वन इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इसमें भी लगाना, इसमें भी लगाना, दोनों में बोथ ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना और फाइनली बाद में लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा टू वन माइनस का वन पॉइंट ई, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, मैं छोड़ रहा हूँ, ट्राई कर सकते हैं, अगर फंसता है तो कोई बात नहीं,
हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पीछे काफ़ी प्रॉब्लमें पड़ी हुई हैं, आप धीरे धीरे बटोर रहा हूँ तो ताकि आप लोगों की प्रॉब्लमें भी होती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही है, ऐसी टाइप में एक और क्वेश्चन हमको मिला है, तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के ही हो जाएगा डायरेक्टली, उसको मैं ट्राई के लिए दे देता हूँ, 1 to e, ठीक है, एंड log x का क्यूब dx, ठीक। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6 माइनस का 2e, है 6 माइनस 2i आएगा, वही फर्स्ट इंटू वन मान के इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, यानी कि पार्ट्स इसमें लगाना है और बाद में फाइनली लिमिट रख देना है और आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब लास्ट में चल रहा है, लगभग लगभग टॉपिक में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम, तो अब ऐसी कोई समस्या इंटीग्रेशन की नहीं होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन ना हो पाए। मैं मानता हूँ अब ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। यानी एक वीडियो से मैं 5-5 ही कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती तो प्रॉब्लम होती है अपलोडिंग करने में और फंस जाता है मैटर, फिर लोड नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन डालना चाह रहा हूँ लास्ट इस वीडियो का, अगर क्वेश्चन एक तो अगला क्वेश्चन देते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल दे दिया जाए, जैसे कि लेट है d/dx f(x) = e^(sin x) e^(sin x/x) वेयर x इज ग्रेटर देन टू 0, एंड इफ दिया है इन 1 to 4 3/x e^(sin) बट थोड़ा दिखने में भी समस्या हो जाती है, क्या करें, f(k) - f(1) द वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज द वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू ऑफ के इज, k का पॉसिबल मान क्या होगा, ऑप्शन है 15-16 आया हुआ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में भी आया है, PGT में भी आया है, और NBS सर वहाँ जो हाईली दिखते हैं DSSP वगैरह में, तो वे कोई क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, सब यही होते हैं। ठीक है, तो मैं कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ नहीं रहा हूँ जो कि रह जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो देखिएगा सॉल्यूशन में ये दिया है d/dx f(x) = e^(sin x) वे है x इज ग्रेटर दैन टू 0, जहाँ पर x का मान 0 से बड़ा है, तो इसका अगर इंटीग्रेट अगर हम करते हैं, फंक्शन ऑफ x निकालते हैं, तो यहाँ पे बोथ साइड में इंटीग्रेशन लग जाएगा। अगर इंटीग्रेशंस किया जाए तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग करने के बाद तो ये हो जाएगा हमारा f(x) = e^(sin x/x) and dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें वैल्यू फाइंडिंग करना है इसका, तो इसका वैल्यू फाइंडिंग करने के लिए देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 to 4 काफ़ी, इसमें ये है 1 to 4 3/x e^(sin x³dx, ये हो जाएगा 1 to 4, और इसको हम कुछ गुणा गुणा कर लें, 3x² / x³ कर लें, एंड e^(sin x³dx इस तरह से कर सकते हैं, फिर x³ को t मानेंगे तो कुछ बात बन जाएगी, x³ को t मानेंगे और 3x² उसमें आ जाएगा मल्टीप्लाइंग में, तो ये इसका अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये हमारा आना चाहिए f(k) - f(1) जो आगे लिखा है। ठीक है, यानी इस वाली क्वांटिटी f(k) - f(1) लिखा है, उसको हमने थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई कर दिया है f(k) - f(1) में। अगर हम इसको x³ को अगर हम t मानते हैं तो क्या हुआ, 3x² dx = dt हो जाएगा, और लिमिट पॉइंट अगर चेंज कर देते हैं तो लिमिट पॉइंट x = 1/1 हो जाएगा, और 4 पे 4 की घात 3 4 चौक 16 चौक 64, तो इसके इक्वल में, यानी ये तो f(k) - f(1) चल रहा है, f(k) - f(1) = यहाँ पे लिमिट, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 64 हो गई, और ये हो जाएगा e^sin t / t dt। ठीक है, और e^t sin t देखिएगा, ये f(x) था, तो ऐसे ही ये वाला हमारा क्या बन जाएगा,
एफ ओ टी बन जाएगा, एफ ओ टी इक्वल टू एफ ओ एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये इसको हम एफ ओ टी, ये एफ ओ टी के टर्म में भी लिख सकते हैं, एफ ओ एक्स में भी इसको बनाया जा सकता है, तो उससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये बन जाएगा मेरा एफ ओ एक्स, ठीक है, एफ ओ एक्स या एफ ओ टी बना कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट पॉइंट है 1 to 64, तो ये हो जाएगा एफ ओ 64, एफ ओ 64 माइनस का एफ ओ 1, तो एफ ओ के माइनस का एफ ओ 1 कंपेयरिंग कर लेंगे तो के बराबर आ जाएगा 64। और ठीक है, तो के का वैल्यू ही पूछा था, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, तो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन अभी और कुछ बाकी हैं, तो यानी कि 40 हो गए हैं और 10 क्वेश्चन और मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, यानी कि मैं 50 क्वेश्चन पूरा करके डे नंबर 63 पर डेफिनेट को मैं आसान के साथ विदा कर सकता हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखें। तो 8-10 क्वेश्चन और हैं, अगर मान लिया 12-15 भी हैं तो मैं दो एक जैसे हैं तो उनको एक ही करा दूंगा या एक ड्रा कर दूँगा, भैया ये कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये डेफिनेट अब 63 डे पूरा होते होते ख़त्म हो जाएगा।